अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज है 1 जनवरी, आप सबको कशिश और कशिश की फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, 1 जनवरी है, तो हमने कहा चलो जो है आज अपना ब्लॉग नए साल से नई शुरुआत करते हैं। और आप सबने जो है 2023 के ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद किए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबसे गुजारिश है कि ये 2024 मेरे चैनल के लिए महक बहुत अच्छा हो और मेरा कोई वीडियो जो है वायरल हो जाए, मेरे ब्लॉग्स भी चल जाए, तो ऐसा है। और हम लोग यहाँ क्यों रुके हुए हैं, क्योंकि महक की मम्मी कहाँ गई वो महक खुद बताएंगी। बोलो महक। अस्सलामुअलैकुम, हैप्पी न्यू ईयर। आज हम लोग 1 जनवरी को निकले हैं शॉपिंग करने के लिए, ताकि पूरे साल हम लोग शॉपिंग करते रहें, क्योंकि हम जो है लड़कियों को शॉपिंग करना बहुत पसंद है। और हम लोग जो है इसी पर्पज से 1 जनवरी को शॉपिंग करने जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर सेल, यहाँ पर सेल लगी हुई है। कितना परसेंट? 40% डिस्काउंट है, रेमंड शॉप पर यहाँ 12 बजे में। तो हमने कहा चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। मम्मी को कहाँ भेज दिया? वो गई है कैंची में शान रखाने के लिए। ये देखिए ये आ गई है, सबको दे दिया कैंची। अच्छा, सबको हैप्पी न्यू ईयर तो बोल दो, हैप्पी न्यू ईयर तो बोल दो सबको। इतना सजा के लोग समझ लीजिए, इन्होंने बोल दिया। अब हम लोगों का जो है रिक्शा चल चुका है, यहाँ पर जैम बहुत ज्यादा रहता है इस जगह पे। अच्छा, वहाँ घंटा घर पे भी तो होता है, कैंची में शान रखा जाता है वहाँ कहीं पर। मम्मी पहले रखवाती थी, बता तो रहा है कि वही अंदर वाली सामने गली गली। अच्छा, अब मशीन का जहाँ पटरा लिया है वहाँ तो रुकोगी नहीं, वहाँ नहीं रुकोगी ना, पहले घंटा घर चलोगी। तो हम लोग जो है जा रहे हैं सीधे घंटा घर। अभी हमने जो है गंजी देखी है और आज मेरा मन है गंजी लेने का, क्योंकि जो है हम लोगों को गंजी खाना बहुत ज्यादा पसंद है। गंजी यानी शकरकंद, जिसे गंजी भी बोलते हैं हमारे यहाँ, स्वीट पोटैटो आई मीन। तो उसकी जो है देखो मशीन की दुकान खुली हुई है, पता है। तो अब हम लोग पहुंच रहे हैं घंटा घर। तो हमने कहा चलिए 1 जनवरी को आपको जो है क्या चीज, तुम घंटा घर से देख लो ना चल के। हाँ, तो हम लोग जो है, हमने कहा आप लोगों को भी जो है अपनी शॉपिंग के साथ घुमा दें नए साल पर। और यहाँ की जो मार्केट है, वैसे तो हमारे यहाँ जुमे की बाजार लगती है जिसे सट्टी बाजार बोलते हैं। तो देखिए कितने ज़्यादा वुलेंस के कपड़े वगैरह मिल रहे हैं, कैप और मोज़े वगैरह। बड़ा शोर होता है बाजार के अंदर। और सूट देखो कितने प्यारे प्यारे लगे हुए हैं ना, बनारसी वाला भी अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। हम लोग बस ऐसे देखते हुए, आदत है ना, किस किस की आदत है ऐसे जो है ऐसे रिक्शे पे या अपने कन्वेंस पे या कार पे बैठे हो और उसके बाद कोई अच्छा सूट निकल जाए तो बस मन करता है ऐसे कपड़े देखते चले, है ना। ऐसा महक ने पहले हाथ उठा दिया। तो जब हम औरतों की आदत होती है ऐसी, कपड़ों पे ज़्यादा निगाह रहती है अपने मतलब के सामान पर। तो बस अब घंटा घर जो है आ ही गया है। ये देखिए सामने घंटाघर, काफी फेमस है घंटाघर ये हमारे यहाँ का। बस भैया रोक देना, ये 30 रुपए का 100 ग्राम है। सही तो है, ये भी सही छोटा 30 का ना, 30 का 30 का है, ये 40 का 100 ग्राम। अच्छा सही है, ये छोटा है, बस लो दे दो यही 25 का लगाओ 100 ग्राम, लो दे दो। सबसे ज्यादा महंगा लहसुनी है, बुढ़िया रख दो निकाल कर इसको। कितना दे? प्याज भी लेनी है, प्याज कैसे दे रहे हैं? प्याज 40। कितना दे? बस 100 ग्राम छोटी छोटी प्याज, 1 किलो प्याज दे दीजिए। तुम्हें भी लेनी क्या गुड़िया? 1 किलो दे दीजिए।
छोटी छोटी रखो, मेरे बड़ी बड़ी भर देंगे। पैसे निकाल लो, 70 रुपए दे दो। इनके पास है, गुड़िया के पास। तुमको और तो नहीं लेना कोई धागे का कलर? ये डोरिया किसमें लगती है? अरे ब्लाउज में, कुर्ते में। परांदा है? नहीं परांदा इतना पतला नहीं होता। अरे आजकल क्या पता कौन धागे। अच्छा ये भी बात सही है। और ये नहीं है क्या? नीले काले काले। चलो बाद में ले, तुमने धागा लिया? ये है तो धागा, यहाँ पर धागा निकालो। अस्तर का कपड़ा भी रखा होगा ना? कुछ पसंद है? नहीं हटा दे। अस्तर का कपड़ा ये नहीं लग रहा, ये नहीं मिल रहा। डार्क डार्क देखो, और वो बहुत लाइट कलर है। नहीं इसमें नहीं है, इसके लिए चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ, इसमें नहीं है ये वाला। अरे ठीक है। अरे लेकिन चल, वो चलेगा तो नहीं पता चलेगा। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, देख लो। नहीं ये कोको कोला, ये पर्पल कलर है डार्क। भैया देख लीजिए, सही लग रहा है, सिल्ले पे सही आएगा। तो जनाब, हम लोगों ने जो धागे, सुई, कैंची, जो चीज़ें लेनी थी, बकरम वगैरह ले लिया है। जैसा कि आप सबको इससे जो पहले वाला ब्लॉग मिला, आपको पता है कि हम कर रहे हैं किसी की मंगनी की तैयारी। अभी किसकी मंगनी की तैयारी, वो सरप्राइज़ है, वो आपको आने वाले ब्लॉग में हम बता देंगे, लेकिन अभी नहीं बताएंगे क्योंकि अभी इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पर जो है, हम लोग देख रहे थे दुल्हन के लिए मेकअप बॉक्स, चूड़ी केस, लेकिन चूड़ी केस तो मिला नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि मेकअप बॉक्स ऐसा लिया जाए जिसके अंदर जो चूड़ियाँ ले जानी वो हिफाजत से पहुँच जाएँ और टूटे ना। तो भैया दिखा रहे थे, लेकिन इतने ज़्यादा प्राइस बता रहे थे कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। मतलब चीज़ जो है, जिस हिसाब से वो प्राइस बता रहे थे, तो चीज़ भी उसी प्राइस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए ना। और जो हम लोगों को पसंद आ रहा था, उसके रेट बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ा के बताए हुए थे, जबकि उतना नहीं है। हम लोग भी चीज़ें ख़रीदते हैं, हम लोगों को भी अंदाज़ा है। खैर, जागो ग्राहक जागो। मतलब बार्गेनिंग जो है करना, हम कस्टमर का जो है अधिकार होता है। तो यहाँ पर जो है जीत हम लोगों की हुई, जिस प्राइस में हम लोग चाह रहे थे, ना भैया की ना अपनी जो है, फिर जो हम लोगों ने प्राइस तय किया वो हम लोगों को मिल गया उस रेट में। और उसके बाद जो है, हमें और भी चीज़ें लेनी थी, वो हमने ले ली जो मेकअप बॉक्स में जाना था। मतलब आधी चीज़ें खरीदी थी, कुछ रह गई थी और कुछ अपना भी सामान लेना था, तो ले लिया है। तो मेरी बहन जो है, उनके यहाँ बाढ़ आई थी, तो मशीन वगैरह डूब गई थी, सब ख़राब हो गई थी बाढ़ में। तो जो है अब मौका मिला है, क्योंकि इनका जो है बुटीक भी है और ये सिलाई का काम भी करती हैं। तो जो सिलाई मास्टर होता है, उसकी मशीन ख़राब रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब इन्होंने बनने के लिए दी थी, तो वहाँ पर यही लेने हम लोग आए हैं। तो आ गए हम लोग अपनी बहन के घर, अब रुकेंगे हम लोग और खाएँगे बिरयानी। अंदर जल रही है आग, आग जल गई है, चलिए चलते हैं, यहाँ रोशनी बहुत ज़्यादा। अरे बाप रे बाप, हम गिर गिर जा रहा हूँ। चलो चाय तो बनानी ही पड़ेगी। अरे वाह, पर जो है गजब की आग जल रही है। दिल खुश कर दिया महक ने मेरा, आज दिल खुश कर दिया है मेरा। मिठू मिठू, अच्छा हुआ आ गए इधर। तो हम लोग जो है महक के घर, हम लोगों ने बिरयानी खाई, उसके बाद चाय पी और आग, कुछ देर हाथ पाँव अपने जो ठंडे हो गए थे उन्हें गर्म किया, और तकरीबन हम लोग 2 घंटे तो महक के घर थे ही। उसके बाद अपने घर आए, फिर से चाय की तलब हो रही थी क्योंकि ठंडक बहुत ज़्यादा थी। आई होप आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इस ब्लॉग को अब ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।